नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बस्सी के भूडला में गोपाल मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। कथा आचार्य राकेश शास्त्री ने कहा कि कृष्ण जन्म उत्सव के दिन भगवान कृष्ण की बाल गोपाल समेत अन्य मनोहारी झांकियां बनाई गई है। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सभी श्रद्धालुओं को कथा सुनाई गई है। चित्तौड़गढ़ के भासोड़ा कस्बे में महासाध्वी प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब का 85वां जन्म जयंती महोत्सव पंचदिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। समारोह में प्रवचन देते हुए डॉक्टर पूजा ज्योति महाराज ने गुरुणी मैया के महान जीवन पर प्रकाश डाला। परम पूज्य साध्वी कृतिका महाराज ने एक मधुर गीतिका द्वारा भावांजलि अर्पित की। साध्वी पूनम महाराज ने पूज्य प्रवेश कुमारी महाराज के जीवन के कई संस्मरण प्रस्तुत किए। उनके प्रति उनके जो भाव थे, सबको सुख मिले, शांति मिले। वो हमेशा यही कहते थे, सर्वे भवन्तु सुखिना सुखिना सर्वे संतु निरामय। वो हमेशा यही कहते थे, भगवान सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और सबका जीवन रोगमय हो, किसी का जीवन भी दुख में न हो, सुख शांति में हम जिए। चित्तौड़गढ़ के भासोड़ा कस्बे में चामुंडा माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शारदीय नवरात्रि में मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त चामुंडा माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। माता के मंदिरों में जगमगाती लाइटों की सजावट की गई है। महिलाएं व बालिकाएं यहाँ डांडिया खेलने के लिए आती है। भंडारी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे की हो रही अघोषित कटौती से परेशान ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया। गुस्साए ग्रामीणों ने वार्ड पंच राजदेवी के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर भंडारेज सब स्टेशन पर धरना दिया और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद JEN व सदर थाना प्रभारी की समझाइश के बाद 5 सूत्री मांगों पर सहमति बनी। सहमति के बाद धरना समाप्त किया गया। हमारी सब परेशानी से लाइट की ATM से जो पड़ा वड़ा उनकी लाइट सैलरी होनी चाहिए, जो लाइट कौन दी और बिल्कुल मतलब परेशान से किसान से जी। पहला ही राम जी ने मार दिया और अब राज मार रही है, न खाद मिल रही हो न बिजली मिल रही। समस्या सब आ रही, लाइट ही कौन आ रही, दिन मार दिन रात ना रही। 24 घंटा में कोई 4 घंटा लाइट आओ थे, पड़ाव उड़ाओ बिजली उजली का ही समस्या थे। बालकन को बुखार चढ़ थे, डेंगू बुखार चढ़ते, मलेरिया बुखार चढ़ थे। भाई ये समस्या लाइट नहीं देते तो लाइट भाई गाँव में किसान का बिल नहीं देते, सिटी में लाइट क्यों देते है? सिटी में लाइट बिल्कुल कटौती नहीं करते, गांव में क्यों करते? तो गांव के लोग बिल नहीं देते, सिटी के लोग बिल देते हैं, किस लिए? ये क्या चक्कर है? तो गांव के लोग वह भी आदमी है, वो भी सिटी के वो भी आदमी है, उनके भी वही जीव है तो उनके भी वही जीव है। दूसरी बात, कोरोना की वजह से बाढ़ पहले ही फड़ाई में डिस्टर्ब होगा बाढ़, हमें लाइट की वजह से बाढ़ फड़को पाऊँ। चूरू के राजलदेसर में विकास कार्य के अंतर्गत हो रहे निर्माण में वार्ड संख्या 7 और 15 के मध्य चल रही ब्लॉक रोड के निर्माण का निरीक्षण किया गया। नगर पालिका के उपाध्यक्ष व पार्षदों द्वारा ये निरीक्षण कार्य किया गया। वहीं ठेकेदारों को सरकारी मापदंड के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 48 में 7 घरों में कनेक्शन का बिजली पावर अचानक कम हो गया, जिससे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए। गनीमत रही कि लोगों के घरों में बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर वार्ड पार्षद ने पहुंचकर सिक्योरिटी विभाग को सूचित किया, लेकिन विभाग ने अवकाश होने की बात कहकर टालम टोल कर दिया। ऐसे में मोहल्ले वासियों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। आज दोपहर में संजय कॉलोनी में इस क्षेत्र में अचानक बिजली कम ज़्यादा होने से यहाँ के जो आसपास के जो मकान है, यहाँ पर किसी के पंखे उड़ गए हैं, किसी के LED TV, किसी के फ्रिज, किसी के RO, किसी के पानी की मोटरें इत्यादि उड़ गई है, जल गई है। इसके कारण सिक्योर वालों ने जो ये लापरवाही की है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी भुगतान कौन करेगा? आज ये सब इतने परेशानी में है कि जब आज रात का समय है और रात्रि के समय में इनके पंखे बंद पड़े हैं, पानी की मोटर बंद पड़ी है, जिसके फ्रिज चल रहे थे वो फ्रिज बंद पड़े हैं, तो ये सब आज ही सिक्योर की लापरवाही के कारण हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए TPV न्यूज़।